चलो जय महादेव। चाय का असली मजा तो अभी है भाई, इसमें थोड़ी सी बर्फबारी स्नो के टुकड़े पड़ जाए। सर गुड मॉर्निंग आप सभी को चोपटा से, और मैं हूँ उत्तराखंड के चोपटा में। कल रात को 10 बज गए थे यहाँ पे आते आते, मगर भाई साहब शानदार एडवेंचर वाली ट्रिप रही, मज़ा आ गया। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में जो ना स्नो देखी, स्नोफॉल देखी, मतलब स्नो तो देखी है, स्नोफॉल होते हुए देखा मैंने लाइव रात के समय में, मज़ा आ गया एकदम, तो मस्त वाला। और आज भी उम्मीद है कि हमको ऊपर स्नो गिरती हुई दिख जाएगी। चलो स्नो गिरते हुए अगर नहीं भी दिखी एक परसेंट तो स्नो तो पूरा भरा ही पड़ा चारों तरफ से, मज़ा आएगा खूब। आज जा रहे हैं हम मेन चोपटा से ऊपर की तरफ, यहाँ से तुंगना ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी मैं फिलहाल तो 18-20 किलोमीटर नीचे की तरफ रुका हूँ, क्योंकि आगे जो है बर्फ जमी पड़ी थी रोड पे कल, तो गाड़ी जा नहीं पा रही थी, वापस घुमाई और थोड़ा नीचे आकर जो है हमने रूम लिया, होटल लिया अपना। फिलहाल तो अभी निकलेंगे हम, अभी 10:30 बजे तक निकलेंगे, अभी 8:30 के आसपास हो रहे हैं। आज जो है यहाँ से हम दूसरी टैक्सी कर लेंगे और उससे हम ऊपर तक जाएंगे, फिर देखते हैं आज ऊपर स्टे करते हैं क्या करते हैं, वो सब वहीं जाके बताऊंगा। बाकी ये चोपटा से ना बाहर का सीन है हमारे रिजोर्ट, ये जो है हनुमत रिजोर्ट है, तो यहाँ से जो बाहर का सीन है ये देखो भाई साहब, मस्त एकदम नज़ारे हैं, व्यू कुछ इस तरह का प्रॉपर आपको यहाँ पर सीन दिखेगा। तो वो खड़ी अपनी नेक्सोन, और देखो बारिश हो रही है यार कंटिन्यूसली, ऊपर बादल लगे पड़े हैं कंटिन्यूसली, कल पूरे रास्ते बारिश मिली हमको, और यहाँ पे बारिश का ही मौसम है। यहाँ पे जो बूंदाबांदी हो रही है ना, वहाँ पे ऊपर जो स्नोफॉल बन के ऊपर गिर रही है ये, तो 10:30 होने वाले हैं, 10:30 होने वाले हैं। और भैया गाड़ी वहीं छोड़ के आएंगे भी हम, और जाएंगे भी चोपटा की तरफ। तो यहाँ से जो है करीब 18-20 किलोमीटर है, देखते हैं यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी तो टैक्सी लेके जाएंगे। अभी एक आध गाड़ी गई यहाँ पे, उनकी छत पे पूरा ना आइस जमी पड़ी थी, तो यहाँ भी यहीं का होटल है यार रुके, जिसमें हमने मंगा लिया अपने लिए ब्रेकफास्ट। क्या आई भाई मैगी, क्या बात है, मसालेदार मटर वाली मैगी। भैया देखने में तो आपने कमाल बनाई है, खाके देखते हैं, खाके भी बढ़िया लगी। और भाई साहब ने पराठे मंगाए, अरुण भाई ने, उनको मैगी पसंद नहीं आ लगता है मुझे, देखने में तो भाई गजब की लग रही है। और धुआं हो गया भाई, ज़्यादा हो गया। बढ़िया है बढ़िया, मसालेदार मैगी ऐसे ठंड के मौसम में दो ही चीज़ बढ़िया लगती है पहाड़ों में सबसे ज़्यादा, वो है मैगी और आलू के पराठे। इनमें से एक चीज़ तो जरूर खानी चाहिए जब भी आप पहाड़ों पे आओ, ब्रेकफास्ट का टाइम खासकर। अब निकलेंगे भैया एडवेंचर में। भैया अपनी ट्रैकिंग हो गई है स्टार्ट, यहाँ पे ना पीछे टैक्सी नहीं मिल रही है, पीछे होटल वाले ने बताया कि थोड़ा सा आगे चले जाओ ट्रैक करते हुए, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ से आपको जो है होटल, मतलब वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी, वहाँ से टैक्सी बन के चलती है। क्या बात है, हाँ भैया एक गाड़ी मिली। चलो मैं आगे बैठू, चलो जी भैया ने लिफ्ट दे दी। भाई ऊपर से गाड़ी आ रही है, देखो ऊपर छत पे बर्फ पड़ी है इनके, तो भाई देखो ठंडी नहीं लग रही बिल्कुल ही। तो भैया ने गाड़ी रोकी है, यहाँ पे चैन चढ़ा रहे हैं भैया देखो आप, क्योंकि आगे जो है बर्फ मिलने वाली है और उसमें बिना चैन के जो है ना पैर फिसलेंगे, इसलिए दिखाऊंगा मैं आपको इसमें किस तरीके से भैया चढ़ा रहे हैं। अच्छा इस तरीके की होती है पूरी, अच्छा सरी है क्या ये, घर में बनाया कल मैंने। अच्छा जी भाई साहब देखो, चलो इसका प्रोसेस देखेंगे थोड़ा सा भैया को चढ़ाते हुए। और भाई यहाँ का व्यू देखो यार, अभी जाएंगे ऊपर, अभी यहाँ से बर्फ अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बस स्टार्ट होने वाली है थोड़ी सी दूर में जाकर। तो यहाँ से करीब 14 किलोमीटर रह गया है अपना चोपटा, और भैया रुकेंगे बुनियाल, वहाँ से बुगियाल बुनियाल बनियाकुंड, हाँ तो बनियाकुंड रुकेंगे, वहाँ से हमने करीब 1-1.5 किलोमीटर और ट्रैक करके जाना होगा, तो वहाँ से मजा आएगा, काफ़ी मजा आएगा। कोई हेल्प चाहिए भी बता देना। ना ना अभी तो नहीं है।
तो भैया फिक्स हो गए दोनों। देखो क्या मस्त फिक्स किए भैया ने यार, ऐसी मेहनत का काम है, तो दो मिनट काम भी नहीं है, बहुत मेहनत लगती है भाई इसमें। हाँ दोनों पहिए निकाल के इसमें फिर सही फिक्स किए हैं भाई। चलो चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। भैया ये देखो लाइव स्नोफॉल दिन के टाइम में, क्या बात है। देखो क्या सीन है भाई। दीपक भाई मजे ही आ गए। अरे भाई क्या कर रहा है तू? भाई साहब लाइव स्नो, गजब मजा आ रहे हैं गजब। तो भैया ये है चोपटा का जन्नत। और अभी तो हमें और ऊपर जाना है भैया की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो सरिया निकल गया जहाँ टायर में लगाया था, इस वजह से रुके हुए। मगर ये देखो यार मस्त एकदम ब्यूटीफुल जन्नत उत्तराखंड का। मतलब इतनी जगह चला गया, कल्पा चितकुल हर जगह, और स्पीति सब जगह चला गया भाई। मगर जो सीन दिखा ना एक्चुअल में ब्यूटी भाई, ये सब देखो यहीं पे दिखा है भाई। हम फ्रेश स्नो पड़ रही है, ओ भाई क्या बात है, मस्त भाई एकदम मस्त। ओह भाई साहब, इतना एडवेंचर करके फाइनली आ गए बनिया कुंड, और अब यहाँ से उतरू पहले तो नीचे भाई। चलो भैया बनिया कुंड भाई साहब, सीन देखो यहाँ चारों तरफ से, और एक मात्र गाड़ी है जो यहाँ तक आ चुकी है, ये पहले की आई हुई है जो बर्फबारी से पहले आई थी भाई। इस स्नो में जैसा आपको रास्ता दिख रहा है उसमें एक मात्र एक गाड़ी है जो भैया लेकर आए हैं यहाँ पर, वो भी अभी उन्होंने वो बांधी थी ना सरी, उसकी वजह से एक सरी निकल भी गया जबकि एक तरफ का, उसके बावजूद देखा आपने कितनी मुश्किल होती है बर्फ में गाड़ी चलाना। सो फाइनली रुक गए हम बनिया कुंड में, और यहाँ पे अपना होटल भी ले लिया हमने, और ये अपना रूम है देखो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे तीन बेड भी लगे हुए हैं, तीन लोग तो हैं ही हम यहाँ पर, और ये पड़ा हमें भैया 1500 रुपये का, तो ठीक पड़ा सही है। और सामने को टेंट भी है, तो ये टेंट का जो रेट है 2500 रुपये है। देखते हैं अगर हम एक एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर रुके तो मे बी हम शिफ्ट कर लें टेंट में, वो रुकने के हिसाब से देखा जाएगा क्या होता है। और आगे का व्यू तो देखो यार आप, मतलब मज़ा आ जाएगा गजब का। ये भाई ये मेरे सामने जो ये टेंट है, जो भी ये रूम है इसकी शेड देखो भाई साहब, मतलब ब्यूटी देखो यार यहाँ की बनिया कुंड की। ये चोपटा का यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही है, मगर पूरा ऐसे नज़ारा दिखेगा आपको यहाँ से चोपटा तक पूरा, मस्त बर्फबारी हो रही है एकदम फुल एकदम मस्त एकदम, और प्रॉपर ढका हुआ है। कहाँ आ गए? जन्नत है जन्नत भाई। चलो
होंडा हाइनेस आते तो भाई, तो भैया आप लोग मजा गजब का आता है, चार गुना पांच गुना मजा आता है होंडा हाइनेस से आता मैं तो भाई। अब क्या करूं, तीन लोग हो गए ना। ये जो बर्फ है ना भाई, बिल्कुल रुई की तरह है, देखो प्रॉपर एकदम रुई, इतने आराम से आ रही है हाथ में, देखो एकदम रुई की तरह है बर्फ, बिल्कुल रुई की तरह, जैसे रुई पकड़ रखी हो। चलिए आपको ऊपर मेन रोड दिखाता हूँ, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, मैं चाय भी बन गई है भैया, चाय पी लें ठंडी हो जाएगी। ऑसम नज़ारे हैं भाई साहब, ये देखो अपनी चाय आ गई भैया, चाय गर्मा गर्म चाय, और भाई ये मंगाए बटर बन मस्त वाले। चलो जी चाय पीने का ऐसे मजा यहाँ नहीं है, वहाँ है। चाय का असली मजा तो अभी है भाई, जिसमें थोड़ी सी बर्फबारी स्नो के टुकड़े पड़ जाए। तुमने वैसे कोशिश ये करना इनको यहाँ पे गाड़ मार। जी छतरी ओढ़ ली हमने, और कहाँ ओढ़ी है, यहाँ शेड है, मगर ओढ़ने के पीछे जो रीज़न है ना वो ये है कि अभी मैं आपको दिखाने आता हूँ यहाँ पे आगे का सीन। और यार इस कैमरे को ना क्या बताऊँ, वाटरप्रूफ नहीं है, बस ये इसी कमी है, तो भैया गिर ना जाऊँ। ओ भाई ओए 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 ओए, तो भाई क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये देखो भाई साहब एकदम ही, यहाँ पे पूरे टेंट लग रहे हैं, देखो जगह जगह टेंट लग रहे हैं, कैंपिंग होती है यहाँ पे, प्रॉपर कैंपिंग का इन्होंने हिसाब किताब बना रखा है। तो ज़्यादातर लोग जो है ना यहीं पर रुक जाते होंगे, आगे नहीं जाते, क्योंकि यहाँ से आगे ना और ज़्यादा जो है ट्रैकिंग करना पड़ेगा। एक तो पहली बात तो गाड़ियाँ नहीं आती, मुश्किल ही आएंगी कि एक आध गाड़ी आ रही होंगी जा रही होंगी, और यहाँ 4 किलोमीटर और पड़ता है करीब, तो सीन ऐसे मिलेगा आपको आगे भी, तो यहीं पर इंजॉय करो ना भाई, जैसा यहाँ पर दिख रहा है। ये देखो तो यही कुछ रहा आज का, देखो हम पहुंच गए हैं बनिया कुंड, और यहीं पे अपना ब्लॉग मैं अब दी एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा भाई, देखो मस्त जगह पहुंच गए हैं हम, है चोपटा ही एक तरीके से, 4 किलोमीटर पीछे ये पूरा चोपटा के एरिया पड़ता है वैसे, तो कुछ इसी तरह का सीन। कोई नहीं, वादियों के साथ अपने ब्लॉग का यहाँ पर दी एंड करता हूँ, और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, उसमें ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे अभी जो हम चोपटा तक, तो काफ़ी ज़्यादा फन मज़ा होने वाला है उसमें। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि बिजली की समस्या है भाई, बिजली की समस्या है, पता नहीं देखना पड़ेगा कैमरे को उस हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैटरी ख़त्म होगी तो भाई चार्जिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। और पावर बैंक तो लाया हूं मैं वैसे भी, मगर फिर भी दिक्कत हो जाएगी, पावर बैंक कब तक काम करेगा। तो यहाँ पर ये सब दिक्कत है, सोलर पावर है यहाँ पर जो 2 घंटे चलती है शाम को केवल, और अभी जो धूप भी निकल रही है 2-3 दिन से, तो सोलर पावर भी मिलनी काफ़ी मुश्किल है भाई। तो कोई बात नहीं, अगले लोगों फिर भी ट्रैकिंग तो हम दिखाने वाले हैं अच्छी वाली। चलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो सफ़र पे राइडर। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर और बाय बाय।